खालिस्तानी एक्टिविस्ट ही था, तो अगर उसको इस तरह से आप वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है तो फिर जो है वो तो सबके सामने वो खुल के सामने आ जाएगा कि इसके पीछे जो है वो इंडिया दिखाई दे रहा है। बट आप रहने दो, रिलेट करते हैं जब आपके पास इस तरह की हो ना एग्जांपल तो लोग रिलेट करते हैं। जब उन्होंने कहा जी कि बलोची पे क्यों आगे पर पाकिस्तानों ने आगे किया, तो वो रिलेट क्यों ना करें, इंडियन तो करेंगे रिलेट इस चीज़ को। हम काफी देर बाद हम आज रिएक्शन चैनल को दोबारा जो है वहाँ पे आए हैं, और इस टाइम में जो है वो बहुत से लोगों ने हमें सारा सपोर्ट भी करते रहे और सारे मामला चलते रहे। और आज की जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो है कि कैनेडा के अंदर एक सिख रहनुमा जो हैं जो खालिस्तान की एक आवाज़ उठाते हैं, उनका किसी ना तरह से मर्डर हो जाता है, और सारे ब्लेम्स जो हैं वो इंडिया के ऊपर आ रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि खालिस्तान बने और इंडिया ने ये करवाया, और कनाडा जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो है वो उसे तहफ़ुज़ात हैं, वो परेशान है और वो इस पर जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ भी बात कर रहा है। अब एक नया आर्टिकल आज का ये कह रहा है कि यूएस जो है वो कनाडा की सपोर्ट करेगा और उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा कि वो ये मामले की तह तक पहुंच सकें, क्या वाकई इसके पीछे इंडिया है, और अगर है तो फिर उसके बाद इसके अगले कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लगा दीजिएगा, वहां चलते हैं देखते हैं। दोस्तों कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविस्ट निज्जर की हत्या क्या हुई है, जो भी इसके साथ संबंध रखने वाले लोग हैं वो इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं। दोस्तों शर्म की बात तो दुनिया के देशों के लिए ये है कि उस एक्टिविस्ट के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए कनाडा का प्रधानमंत्री अपनी संसद के अंदर आ गया, और अब रिपोर्ट निकल रही है कि अमेरिका भी उस निज्जर की सपोर्ट करने के लिए बैक डोर पर आ गया है। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम का, जिसके अंदर लिखा गया है कि अमेरिका ने ही कनाडा को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी सिख लीडर की किलिंग के ऊपर, और ये जो इंटेलिजेंस थी, असिस्टेंस थी और कम्युनिकेशन जो है वो कनाडा ने इंटरसेप्ट की, और उसके बाद ये जो एक लिंक है वो निकलकर सामने आया है। दोस्तों ये न्यूयॉर्क टाइम ने जो आर्टिकल छापा है ये टॉप एक लीडर्स जो हैं उनके सोर्सेस के हवाले से छापा है, और अमेरिका इस मामले के पीछे एक नया रोल प्ले करने के लिए सामने आ गया है। दोस्तों इन सारी रिपोर्टों को आप एक तरफ रखिए, ये रिपोर्टें क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं। सबसे पहले तो इन लीडरों को हरदीप सिंह निज्जर की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था, और प्लम्बर होने के साथ वो खालिस्तानी आतंकवादी नहीं था। इसको लेकर क्लैरिटी हो, फिर इसकी जांच हो तो पता लगे कि आखिरकार कौन दोषी है। लेकिन इन सारे मामलों के बीच अमेरिका का जो रोल है वो निकल कर सामने आया है, और अमेरिका की तरफ से एक सोर्सेस के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम ने छापा है कि अमेरिका रूटीनली, यानी कि उसका तो एक रूटीन के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन वो फाइव आइज कंट्रीज के अंदर साझा करते ही है, और वही कम्युनिकेशन उन्होंने कनाडा के साथ भी साझा की, और उसके बाद वो एक जो असिस्टेंस कनाडा को मिला, कनाडा ने फिर वो एक कम्युनिकेशन एक जो थी उस कम्युनिकेशन को पकड़ा, और उसके बाद जो लिंक है वो निकल कर सामने आया, ये एक छापा है न्यूयॉर्क टाइम ने। अब दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम ने ये एक एक्सप्लोजिव क्लेम तो कर दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम से कोई पूछने वाला हो कि आखिरकार आप हमें ये बताइए कि अमेरिका की जो फाइव आइज है क्या वो दुनिया के देशों की जासूसी करती है, वो दुनिया के देशों के डिप्लोमेटों की जासूसी करती है कि आखिरकार कौन सा डिप्लोमेट क्या बात कर रहा है, हो या ना हो ये तो ये काम करते ही है और सारी दुनिया जानती भी है, और यही कारण है कि इसीलिए ये आरोप लगाने के लिए आ गए। चलो कोई बात नहीं, लगाने के लिए आ गए, लेकिन एक लड़की थी करीमा बलोच, कनाडा की वो नागरिक थी, उस करीमा बलोच को कनाडा के अंदर मार दिया गया, और उसके ऊपर ये फाइव आई की जो इंटेलिजेंस है कौन से खड्डे खोद रही थी रेगिस्तान के अंदर ये भी बता दे। दोस्तों आज कनाडा की बलोच ह्यूमन राइट काउंसिल निकल कर आई है और उन्होंने जवाब मांगा है फाइव आई से और कनाडा से कि आखिरकार तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां पर थी जब पाकिस्तान के गुंडे कनाडा में आकर इस तरीके से करीमा बलोच की हत्या करके चले गए, और आपने तो पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगा।
क्या पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हो? दोस्तों कनाडा तो एक टेररिस्ट कंट्री बनता जा रहा है, यही कारण है कि करीमा बलोच ने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सारे मामलों को भी आप एक तरफ रखिए, हिपोक्रेसी की हद तो यहाँ पर यह निकल जाती है कि ना तो इनकी 5i की इंटेलिजेंस ना ही कनाडा के पीएम ये बता रहे हैं कि आखिरकार हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट था या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाने के लायक था। दोस्तों आज पूरी दुनिया की नजर में ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की हत्याएं की। अब व्यक्ति की, एक व्यक्ति की हत्या हो जाए चाहे हजारों की हत्या हो, हत्यारा तो हत्यारा कहलाता है। और इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और 5i की इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, हरदीप सिंह निज्जर कौन था ये डिसाइड करें और फिर अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दें। मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा सारी सच्चाई क्या है। अब ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका आतंकवादी मानता है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओसामा बिन लादेन के समर्थक हैं, वो तो इसे एक संत मानते थे, फकीर मानते थे। तो यही कारण है कि इंटरनेशनल डेफिनेशन डिसाइड होनी चाहिए। और यहीं पर अमेरिका के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आज जिस निज्जर की ये सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस कनाडा को दे रही है, कहीं ये अमेरिका जैसा देश इस निज्जर को सपोर्ट तो नहीं कर रहा ताकि भारत को कंट्रोल किया जा सके, भारत को ब्लैकमेल किया जा सके। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 5i इंटेलिजेंस के साथ मामला जुड़ा हुआ है। क्या 5i इंटेलिजेंस की आंखें उस समय बंद हो जाती हैं जब निज्जर पाकिस्तान के अंदर जाता है, और किस तरीके से निज्जर के थ्रू आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर हो रही थी, क्या वो मामले 5i की इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आ रहे हैं? अगर 5i की इंटेलिजेंस के अंदर वो मामले नहीं आ रहे हैं, तो 5i की ये जो इंटेलिजेंस भारत के ऊपर आरोप लगा रही है, ये आरोप भी इराक वॉर के आरोपों के जैसे ही है। आपका क्या कहना है? निर्णय आपके सामने है और क्लेम भी आपके सामने है, किस तरीके से फेक न्यूज चल रही है और ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है अमेरिका और कनाडा की मीडिया के अंदर। क्या कहती हैं? मैं तो एक बात कहूँगा कि जिस तरह आखिर पे ये बात की गई फेक न्यूज़ की, अब पता नहीं फेक न्यूज़ आप फैला रहे हैं या फेक न्यूज़ वो फैला रहे हैं, तो फेक न्यूज़ इसकी क्रेडिबिलिटी है वो तो एक प्रॉपर जो जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी फिर उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगा, एक थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो इन एशियन कंट्रीज़, पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट के, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान और यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये अमेरिका में चले गए या कनाडा चले गए या अब्रॉड जाके या यूरोप में जाके काम करने के घर से जाते हैं और अपने हालात को, लेकिन इन लोगों की वजह से अब जो है कनाडा आने वाले वक्त में कुछ जो है वो अपनी सैंक्शंस लगाएगा और सारे मामला तो वो जो चलते रहेंगे, एक चीज़ ये। सो ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव था, लेकिन अब बात अगर करते हैं कि इसकी तो ये तो जिस तरह से हमने वो इससे पहले भी जो है वो मेजर गौरव आर्या की भी एक वीडियो देखी थी कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर आप छोड़ दें तो लॉरेंस बिश्नोई जाके कनाडा में जो है ना खालिस्तानियों को चुप करा देगा और ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं उनको ये कर देगा, उनको वो कर देगा। तो जब आपने बैक एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रखी हों और उसके बाद कनाडा में अगर वो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट ही था तो अगर उसको इस तरह से आप वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है तो फिर जो है वो तो सबके सामने वो खुल के सामने आ जाएगा कि इसके पीछे जो है वो इंडिया दिखाई दे रहा है। बट एनी हो, अभी तो ये फिर कबला इस वक्त होगा, प्री मच्योर सी सिचुएशन है, जैसे ही इंटेलिजेंस इसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद फिर क्या मामला निकलता है वो तो बाद की बात है। सो ये थी मेरी तरफ से राय, आपको क्या लगता है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसमें? यही है कि कनाडा जैसा मुल्क, जो ऐसे मुल्क हैं वो ऑब्वियसली किसी एक बंदे की जान भी वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, वो पाकिस्तान की तरह इंडिया की तरह नहीं हम कह सकते कोई मर गया तो ओके केस चलता रहेगा, ऑब्वियसली वो इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। बट ये मुझे लगता है कि ये चीज़ कहना भी गलत होती है, आप हर बात पे पाकिस्तानियों को ले आओ, मतलब इशू इंडिया का, सब कुछ इंडिया में हो रहा है और आप इसमें ले आओ कि पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आके मार गया और ये आप देखते नहीं, नहीं ये आप रहने दो, रिलेट करते हैं जब आपके पास इस तरह की हो ना एग्जाम्पल तो लोग रिलेट करते हैं। जब उन्होंने कहा जी कि बलोच क्यों आगे पाकिस्तानियों ने आगे किया तो वो रिलेट क्यों ना करें, इंडियन तो करेंगे रिलेट इस चीज़ को, हम इसको चीज़ को नहीं कह सकते। अगर आपने कुछ माजी में चीज़ें हुई हैं तो हम कहते हैं भाई फलां वक्त तो ऐसा हुआ था तब आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की, वो आज तक कर रहे हैं, आपको इस चीज़ की बड़ी पड़ गई है तो लोग रिलेट करते हैं। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि जो है ना लोग जो हैं वो
इस तरह की चीज़ों को ना अब कर रहे हैं रिलेट, और एट द एंड कोई भी कंट्री है वो नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात हों, और वो तो हर हाल में चाहे वो कोई मुस्लिम कर रहा है, चाहे वो सिख कर रहा है, चाहे कोई हिंदू कर रहा है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का बंदा कर रहा है, वो तो चाहते हैं कि भाई अपने हम जिस कंट्री में जिस कंट्री को हम गवर्न कर रहे हैं वहाँ पर भाई जो है वो पीस हो, अमन हो, उसकी डेवलपमेंट का काम हो, हम आगे जाएँ, ये स्ट्रेटजी। और ये जो ये चीज़ें होती हैं ये उस मुल्क को पीछे खेलने में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अब लोग जो हैं कनाडा भी जो है वो फिर इस तरह से इन लोगों के ऊपर जो है ना सेंक्शन लगाएगा और फिर इनको नहीं काम देगा। सो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेजबानों को दें इजाजत, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने